बिलासपुर में नाबालिग से हैवानियत को अंजाम देने वालों के खिलाफ गरियाबंद साहू समाज लामबंद हो गया है। समाज के पदाधिकारियों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की है। पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। इससे पहले समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय में रैली निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया और तिरंगा चौक पर एकत्रित होकर पीड़िता की मृत आत्मा को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। समाज के लोगों ने बिलासपुर में नाबालिग के साथ हुई गैंग रेप की घटना को निर्भया कांड से जोड़ते हुए कहा कि जैसे निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरे देश के लोग एकजुट होकर आवाज उठाई उसी प्रकार बिलासपुर की बेटी के लिए भी साहू समाज आवाज बुलंद करेगा। साहू समाज की 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बिलासपुर जिला में सामूहिक बलात्कार की घटना हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। बहुत ही विभत्स और छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। 30 जून की घटना है। हम लोग मांग करते हैं शासन से तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो और अपराधी को फांसी की सजा हो। इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ भर में आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर को, राज्यपाल के नाम से। गरियाबंद जिला के गांधी मैदान में पूरे साहू समाज इकट्ठा हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ की बेटी, हमारी समाज की बेटी के साथ जो बलात्कार हुए हैं, जिसके मुजरिम अभी तक बेखौफ गायब है, छत्तीसगढ़ में कहीं छुपा हुआ है, जो आज तक छत्तीसगढ़ सरकार उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं किए हैं, इसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ के साहू समाज एक साथ पूरे कलेक्टर को, महोदय को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि जितना जल्दी हो सके उस बलात्कारी को फांसी की सजा मिल सके। यदि ये कानूनन कार्रवाई नहीं होता है तो पूरे समाज एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे।